हेलो स्टूडेंट्स, ये एक क्वेश्चन आपके सामने। लेट पी डिनोट्स द फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ द नंबर पी, देन 3 रेज टू द पावर 200 ओवर 8 फ्रैक्शनल पार्ट इज इक्वल टू। ये हमारे पास यहाँ पर चार ऑप्शन दे रखे हैं और ये क्वेश्चन आईआईटी जेईई मेंस 2020 में आया था। अच्छा, इसमें फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ पी, इसका मतलब हमें समझना है। जैसे हमारे पास एक नंबर है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 1.2, तो इसका मतलब होता है 0.2। ऐसे ही फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 3.99, इसका मतलब होता है 0.99। इसका मतलब है कि जो ये फ्रैक्शनल वाला पार्ट होता है, यही इस पूरे का आंसर होता है। तो हमारे पास ये जो क्वेश्चन है, इसके लिए भी हमें इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो हमारे लिए चीजें आसान हो जाएंगी। ठीक है, तो हमारे पास ये लिखा है, यहाँ पर एक बार लिखता हूं, ये लिखा है 3 की पावर 200 ओवर 8। अच्छा, इसको एक बार सॉल्व करके देखते हैं। तो ये हमारे पास जो 3 की पावर 200 लिखा है, हम इसको लिखते हैं 3 की पावर 2 रेज टू द पावर 100 ओवर 8, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 3 की पावर 2 होता है 9 और ये हो गया 9 की पावर 100 ओवर 8। अब आप 9 को यहां पर कैसे लिख सकते हैं? 9 को हम लिख सकते हैं 1 प्लस 8 रेज टू द पावर 100 ओवर 8। यहां तक समझ में आ गया? आप इसको 8 प्लस 1 रेज टू द पावर 100 भी लिख सकते हैं। अब हमारे पास जो ये 1 प्लस 8 रेज टू द पावर 100 है, अब इसका बाइनोमियल एक्सपेंशन करते हैं। तो हमें पता है कि एक्स प्लस वाई रेज टू द पावर एन का बाइनोमियल एक्सपेंशन होता है एन सी जीरो एक्स की पावर एन वाई की पावर जीरो। एन सी जीरो एक्स की पावर एन सी वन एक्स की पावर एन माइनस वन वाई की पावर वन। इस तरीके से एन सी एन एक्स रेज टू द पावर जीरो वाई रेज टू द पावर एन। तो यहाँ x की जगह अगर मैं 1 पुट कर दूं और y की जगह 8 पुट कर दूं, तो मेरे पास आता है 1 प्लस 8 रेज टू द पावर n इक्वल टू nc0। तो ये पूरा क्या हो जाएगा हमारे पास? 8 की पावर 0। nc1 ये हो जाएगा हमारे पास 8 की पावर 1। nc2 आपके पास जाएगा 8 की पावर 2, और ऐसा करते करते ncn 8 रेज टू द पावर n। ये आपको समझ में आ गया होगा। ये हमारे पास बन गया है 9n इक्वल टू, देखो ये जो पूरी टर्म है ये तो हो गई 1, ठीक हो गया। इसके बाद हमारे पास ये जो चीज है, ये लिखा है हमारे पास nc1 8, फिर हो जाएगा nc2 8 स्क्वायर, फिर हो जाएगा nc3 8 क्यूब, और ऐसा करते करते ncn 8 की पावर n। अब हमें पता है यहां पर हमारे पास जो n है, आप देख सकते हो ये n कितना है, 2 100 है। n कितना है? 100। तो अगर n की जगह पर वैल्यू पुट कर दो 100, तो ये हो जाएगा 9 रेज टू द पावर 100 इक्वल टू 1 प्लस 100 c1 8 100 c2 8 स्क्वायर 100 c3 8 3, ऐसा करते करते 100 c 100 8 की पावर 100। मैं क्या करता हूं, इन सब में से 8 कॉमन ले लेता हूं, और जैसे ही मैंने 8 कॉमन लिया तो अंदर मेरे पास बच गया 100 c1 प्लस 100 c2, यहां से 8 बचेगा, प्लस 100 c3, यहां से 8 स्क्वायर बचेगा। ऐसा करते करते आगे आप आगे पूरी टर्म्स लिख सकते हैं। अब क्या था, ये तो 9 रेज टू द पावर 100 आ गया ना। अब क्या करते हैं, बोथ साइड्स को हम 8 से डिवाइड कर देते हैं। क्यों 8 से डिवाइड करेंगे? क्योंकि हमें यहाँ 9 रेज टू द पावर 100 ओवर 8 चाहिए, तो इसीलिए हम क्या करते हैं, इसको भी 8 से डिवाइड कर देते हैं, इसको भी 8 से, और इस पूरे को भी हम 8 से डिवाइड कर देते हैं। अब ये देखो, ये टर्म्स तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हमारे पास आ गया 9 रेज टू द पावर 100 ओवर 8 प्लस इक्वल टू 1 ओवर 8 प्लस। आप जब इस पूरी टर्म्स को सॉल्व करेंगे ना, तो आपके पास इंटीजर्स आएंगे, ठीक है, एक पॉजिटिव इंटीजर आएगा। तो इसलिए इस पूरी टर्म को मैं क्या एज्यूम कर लेता हूं, के। ध्यान रखना, के एक क्या है आपका,
इंटीजर। तो अब यहां पर मैं अगर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का सिंबल लगाता हूं तो मुझे फिर यहां पर भी लगाना पड़ेगा। और हमने अभी पीछे सीख चुके हैं कि जैसे आपका 1.2 होता है तो बेसिकली इसका मतलब होता है 1 + 0.2, जिसका मतलब होता है 1 + 2/10। तो इसमें जो फ्रैक्शनल पार्ट है वो ये है, तो वो ही हमारा आंसर हो जाता है। यहां पर भी ये जो पूरी टर्म आपको दिखाई दे रही है, इसमें के तो इंटीजर है और फ्रैक्शनल पार्ट कौन सा है, 1/8। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहां पर, 1/8। तो अगर ऑप्शन से अपने आंसर को मैच करें तो आप देखेंगे जो ए ऑप्शन है वो हमारे आंसर के साथ मैच कर रहा है। तो इस तरीके से बच्चों हमने इस क्वेश्चन को यहां पर कंप्लीटली सॉल्व कर लिया है। आई होप कि आपको इस सॉल्यूशन समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।